हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SRU लर्निंग इंस्टीट्यूट। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अगर आप BLib MLib कर रहे हो या फिर NET GRF की तैयारी कर रहे हो, उन दोनों ही सिचुएशंस में इस चैनल के वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपकी स्टडी में इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का डायग्राम है और इसे डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था। इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली जो कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो इसके डायग्राम से रिलेटेड ही होते हैं और सारे आंसर जो होते हैं वो इसके डायग्राम से ही क्लियर होते हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थ्योरी को समझाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगी या फिर जो है किसी को स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो वो डायरेक्ट डायग्राम से नहीं समझ सकता है। तो इसलिए इसकी थ्योरी समझना बहुत आसान है और बहुत इजी है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, उन दोनों के को ही ये जो है सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइब्रेरियनशिप इज़ अ साइंस, डॉक्टर SR रंगनाथन इन द सेकेंड एडिशन ऑफ इस क्लासिक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडेड अ चैप्टर इंटाइटल स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड टू साइलेंस और कन्विंस दैट स्किपिट्स ऑफ द साइंटिफिक नेचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डिसिप्लिन। मतलब डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपनी जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो बुक है उसके जो उसका जो सेकेंड एडिशन आया था 1957 में, उसमें उन्होंने ये जो मैथड है एज अ चैप्टर उन्होंने इंक्लूड किया था। किस लिए किया था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एज अ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें लाइब्रेरी साइंस को, तो वो डॉक्टर SR रंगनाथन ने ही उसको जो है एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट करा। तो उनका ये मानना था कि लाइब्रेरी साइंस की जो फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साइंटिफिक तरीके से उनको उनकी प्रॉब्लम्स की जो है फाइंडिंग की जाए, उनको सोल्यूशन निकाला जाए, इसलिए उन्होंने ये मेथड दिया था। पर ये जो मेथड है ये सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के लिए यूज़फुल नहीं है, ये हर रिसर्च के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए ये यूज़फुल है। तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ एन ओवरव्यू एंड विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द मेथड ऑफ साइंस। इट मींस कि इसमें इस मेथड में जो इसके ओवरव्यू और जो इसकी जो विजुअल प्रेजेंटेशन होती है उससे वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाती हैं और हमें एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नेवर एंडिंग स्पायरल। स्पायरल का मतलब वही होता है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके की, वो है नेवर एंडिंग स्पायरल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, हेल्पफुल इन द स्टडीज़ ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब ये जो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में इस जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो रिसर्च होती है, जो सब्जेक्ट जो डेवलप होते हैं उसमें इस रिसर्च जो इस स्पायरल ऑफ जो साइंटिफिक मेथड का जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ ओपन एंडेड इन नेचर। इट मींस कि इसका जो जैसे ऊपर जो इसकी जो कैरेक्टर है, सेम ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका जो स्पायरल होता है वो ओपन एंडेड नेचर होता है। मतलब ये कि जो इसमें ज़रूरी, अभी आपको भी क्लियर होगा कि आगे अभी आप पढ़ोगे कि इसमें जो है बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं या बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होती हैं जिसमें हमें इसको जो फेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं होता हमको उन जो है सब्जेक्ट्स में इसके सारे फेजेस को कंप्लीट ही करना हो। इट मीन्स कि मतलब एक या दो या तीन जो है फेजेस को कंप्लीट करने पर भी हमारी रिजल्ट जो रिसर्च होती है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पायरल मूव्स फॉरवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये जो स्पायरल है कि किस डायरेक्शन में ये मूव करता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये जो आपने अभी थोड़ा सा ऊपर इंट्रो लिखा हुआ और नीचे जो पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि
जो है इसलिए क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी की बात करते हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे भी गए एग्जाम में और आने वाले एग्जाम्स में भी जो है पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो बीले बैमलिप कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये एज अ नोट्स की तरह काम करेगा और बहुत अच्छे से उनको समझ में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो ऊपर लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है ये साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड जो है वो एक ब्रॉडर टर्म होता है। इस साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि किसी साइंटिफिक तरीके से की गई हो और उस रिसर्च जो है और उसका जो थ्योरी जो उसकी फॉर्मुलेट की गई हो वो कई सारे फेजेस को कंप्लीट करके की गई हो, तो जो वो हमारा होता है साइंटिफिक मेथड। मतलब जो है अगर हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिस काम को जो हमने करा है और हमारे करने के बाद जो उस काम को अगर कोई और करता है तो सेम फाइंडिंग सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। तो वो किस तरीके से आएगा, जब हम एक कोई प्रॉपर टूल प्रॉपर जो है तरीका कोई अपनाएंगे तो तभी तो हमारा जो है रिज़ल्ट सेम आएगा जो है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अ विजुअल पाथ ऑफ द रिसर्च प्रोसेस थ्रू इट्स वेरियस फेजेज स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा कलेक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। मतलब कि वो रिसर्च प्रोसेस जो है जिसमें हम जो बहुत सारे फेजेस से स्टार्ट करते हैं, उसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं, टैबुलेशन करते हैं, जो फिर उसके बाद में हम जो उसकी जो टेस्टिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, और उस लास्ट में हम उसकी जो थ्योरी होती है उसको फॉर्मुलेट करते हैं जो है। क्योंकि अगर तो इन सारे प्रोसेस से अगर वो रिसर्च गुजरती है जो है तब उसके बाद में ही वो रिसर्च हम जो है उसको जनरलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी रिसर्च है और अगर हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते तो वो रिसर्च किसी काम की नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए किसी भी रिसर्च को अगर आप अगर रिसर्च जो है स्टूडेंट हैं, आप जो एमफिल करें, तो जो आप रिसर्च करो तो उसको एक साइंटिफिक तरीके से करो, तभी आपके जो रिज़ल्ट आएगा वो वैलिड होगा और वो जो है और उसको ही फिर जनरलाइज किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रिसर्च जो है मेथड हो साइंटिफिक जो है रिसर्च मेथड क्या होता है तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर जो अगर इसको एक और तरीके से समझा जाए, बिल्कुल और भी इसको अगर सिंपल कर दिया जाए कि अगर आपको जो है कोई आँख बंद करके अगर आपको किसी रास्ते पर ले जाता है, एक घर से दूसरे घर ले जाता है, तो और उसके बाद में आपसे दोबारा अगर कोई पूछता है कि आप किस आप जो है उस घर से दूसरे घर कैसे गए थे, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपकी आँखें बंद थी। अभी अगर आप जो है अभी आपकी आँखें बंद ना होती, आँख पे पट्टी ना होती, तो और आपको फिर जाने को बोला जाता तो आपको रास्ता याद होता। तो सेम वही चीज़ रिसर्च में भी होती है कि कोई भी रिसर्च की जाती है तो उसको एक साइंटिफिक तरीके से किया जाता है कि जिससे अगर कोई उस पर अप्लाइड रिसर्च कोई और अदर एस्पेक्ट्स पे करना चाहता है तो उसको वहाँ पर सेम वही रिज़ल्ट मिले जिससे कि वो अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर सके, ठीक है। अब तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, वहाँ नेक्स्ट हेडिंग पड़ी हुई है रंगनाथन स्पायरल। अब साइंटिफिक जैसे कि मैंने बताया कि साइंटिफिक मैथड जो होता है वो एक ब्रॉडर टर्म है, तो उस टर्म में ही डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो है स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है को उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद में हेडिंग अच्छा जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो इस जो साइंटिफिक मेथड दिया उसमें उन्होंने जो है फोर क्वाड्रेंट बताए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हेडिंग है स्पाइन और सिचुएशन। अब स्पाइन सिचुएशन मतलब होता है कि डायरेक्शन, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो हमारी जो डायरेक्शन होती है सेम जो उसको उन्होंने डायरेक्शन में बताया। जैसे नेक्स्ट उसके बाद में लिखा हुआ है एन डैश ए, एन का मतलब होता है नादिर, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अभी आप डायग्राम में इसका जो है फुल नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि नादिर और असेंडेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होती है साउथ वेस्ट जो है। फिर उसके बाद में असेंडेंट और जैनित की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, जैनित और डिसेंडेंट की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, और असेंडेंट और जो नादिर है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो है साउथ और ईस्ट, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है कि फेज ऑफ रिसर्च। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, तो प्लीज़ अगर ये नेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी तो जो जॉब से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें उसके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसमें उसमें ये पूछ ली जाती है। तो प्लीज़ आप इनको जो है अच्छे से पढ़ना जो है, ताकि ये जो जितना इस वीडियो में है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको गलत करके मत आना, बिल्कुल सही करके आना, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट हेडिंग है फेज ऑफ रिसर्च। अब फेज क्या होता है, यानी कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसको उनको किन किन फेजेस के थ्रू हम जो है अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि इम्पीरिकल, इम्पीरिकल का क्या मतलब होता है, एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर जो हम जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसको ही उन्होंने यहाँ पर क्या उसको नाम दे दिया है इम्पिरिकल फेज। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ अपनी रिसर्च से जो है पहले जिसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, जो तो उसको कहते हैं हाइपोथेसिस जो है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इस फेज में हम कुछ लॉज बनाते हैं जिसके थ्रू हमने जो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जो सेकंड क्वाड्रेंट में जितना हमने अपने डेटा को प्रोसेस करा, यहाँ पर हम उस जो है लॉज के थ्रू अपनी जो रिसर्च होती है उसको करते हैं जो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट है हमारा जो है वेरिफिकेशन फेज। तो वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि सेम चीज़ की जो हमने एम्पिरिकल फेज में जो हमने अपना जो डेटा कलेक्ट करा है, फिर हाइपोथेसिस बनाई है, फिर उसके बाद में डिटेक्टिव में हमने उसको फॉर्मुलेट करा है, और लास्ट में हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन, कि हम अपनी रिसर्च को जो है वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो हमारी जो रिसर्च है वो वैल्यूबल नहीं होगी। तो उस रिसर्च को वैल्यूबल करने के लिए, उसको बिल्कुल जो है सटीक बताने के लिए कि हाँ ये जो रिसर्च हुई है ये बिल्कुल सही रिसर्च है, इसलिए हमें वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है मेथड्स और टूल। अब हम इन फेजेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स के इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है एम्पिरिकल फेज, वहाँ पर हम एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, या तो फिर लिटरेचर जो है सर्वे किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जैसे कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट के जो हाइपोथेसिस फेज है उसमें हम किस मेथड टूल का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर इंट्यूशन होती है या फिर इमेजिनेशन। अच्छा, यहाँ पर ये जो हाइपोथेसिस वाला जो ये हेडिंग लिखी हुई है, ये एक टॉपिक है रिसर्च के पेपर पे जो कि के सिलेबस में होता है। अगर ये हाइपोथेसिस वाला टॉपिक अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं इस पर एक वीडियो आपसे शेयर कर दूंगी जो है। अच्छा, अभी फ़िलहाल अगर किसी को हाइपोथेसिस पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप बस इतना समझ लो कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हम कुछ एज्यूम करते हैं, यानी कि हम पहले से ही कुछ अनुमान लगाते हैं अपनी रिसर्च को लेकर के। हालांकि वो बिल्कुल जिस समय हम अपनी हाइपोथेसिस को जो हम बनाते हैं एज्यूम करते हैं उस समय वो सही नहीं होती है, वो लास्ट में जब हम वेरीफाई करते हैं उसके बाद में हमें पता चलता है कि जो हमने एज्यूम करा था, अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी, वो हमारी एक्सेप्ट हुई है या फिर वो डिसअप्रूव हुई है, ठीक है। तो अब हाइपोथेसिस ऑब्वियस सी बात है, हमें कोई इंट्यूशन आएगी अचानक से कुछ कि हाँ ये चीज़ ऐसे ये इस तरीके से हुई होगी, या फिर हम उस चीज़ के बारे में खुद से ही इमेजिन करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट है डिटेक्टिव। अब डिटेक्टिव जो जो हमारा फेज होता है वो क्या होता है, वहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया कि वो जो इंटेलेक्शन लॉजिक या फिर स्टैटिस्टिक, वहाँ पर कुछ लॉजिक्स होते हैं जिनके थ्रू ही तो हम लॉजिक जो लॉज बनते हैं वो कैसे बन वो किसी ना किसी लॉजिक बेस पर ही तो बनते हैं, तो यहाँ पर इन टूल्स का हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, वहाँ पर लास्ट में हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन करते हैं अपनी रिसर्च को। तो वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो वो किसी एप्लीकेशंस के थ्रू या फिर किसी फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, मैथ्स के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर जो टूल्स होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स। तो अब हम वापस आते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। आई होप कि जो अभी आगे जो अभी मैंने जो थ्योरी आपको बताई है इससे पहले तो जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर वो थोड़ी बहुत रहती तो वो अब आप इस डायग्राम को जब जो है समझोगे इससे तो वो आपको जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये जो हमारा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है,
ठीक है, आप डायग्राम में ये जो ये जहाँ पर नादिर लिखा हुआ है, जब अभी जो आपने देखा था एन ए, तो ये रहा नादिर और असेंडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में जेनिथ लिखा हुआ है और फिर ये लिखा हुआ है डिसेंडेंट। तो ये चारों क्या हैं, ये इस स्पाइरल के क्या हैं, कार्डिनियल पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्पाइरल और साइंटिफिक मेथड के कार्डिनियल पॉइंट्स कितने हैं, तो वो होते हैं चार। कौन कौन से? नादिर, असेंडेंट, जेनिथ और जो है डिसेंडेंट होते हैं। जो ये नादिर पॉइंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ये हमारी जो रिसर्च होती है, जब जब इन सारे फेजेस से पूरी होती होती, तो यहीं पर हम कोई भी रिसर्च होती है, तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है, उसका जो स्टार्ट पॉइंट भी यही होता है और जो एंड पॉइंट होता है वो भी यही होता है। जैसे कि अभी आपने उसमें पढ़ा था कि जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा फेज होता है? एम्पिरिकल फेज होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में फेज कौन सा होता है? हाइपोथेसिस फेज होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में डिटेक्टिव फेज होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वेरिफिकेशन फेज होता है, ठीक है। तो ये सेम वही चीज लिखी हुई है। फिर उसके बाद में जो नादिर होता है, वो हमारा क्या होता है, वो लोवेस्ट पॉइंट होता है। जो असेंडेंट होता है, वो होता है गोइंग अपवर्ड, यानी कि यहाँ से अगर हमने अपनी रिसर्च को शुरू शुरू किया, तो हम यहाँ से इस तरीके से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर ये जो जेनिथ होता है, जेनिथ क्या होता है? हमारा हाइएस्ट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसी तरीके से जो डिसेंडेंट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? गोइंग डाउनवर्ड, यानी कि अब हम यहाँ पर अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर ला करके यहाँ पर हम उसको सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जो है गोइंग डाउनवर्ड हो गया। तो अब इसमें जो है जो चीज़ें याद करने वाली क्या है, कि जो हमारा पहली चीज़, तो ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, नादिर, असेंडेंट, जेनिथ और डिसेंडेंट। फेज कौन कौन से होते हैं? फोर फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इंपिरिकल फेज होता है, सेकेंड हाइपोथेसिस होता है, थर्ड डिटेक्टिव होता है, फोर्थ होता है हमारा वेरिफिकेशन फेज होता है, ठीक है। इसको लोवेस्ट पॉइंट कहते हैं, ऊपर वाले को हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। ये हमारा गोइंग अपवर्ड है, और जो है डिसेंडेंट हमारा क्या है? गोइंग डाउनवर्ड है, ठीक है। अब अगर हम इसको और जो है थोड़ा सा डीप में समझते हैं, ये जो नादिर जो पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ नादिर से लेकर के एसेंडेंट तक की में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो इस पूरे प्रोसेस में क्या करते हैं, हम जो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी हमारी रिसर्च जो रिसर्च में जो हमारी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम जो है करते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं अपने, ठीक है, जिस जिन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू हमें हमको अपनी रिसर्च को करना होता है। फिर हम अपना डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन करने के बाद में उसमें हम उसके बाद में क्या होता है कि अच्छा, डेटा कलेक्शन जो होता है, वो हमारा जो है किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे हम लिटरेचर सर्वे के थ्रू करें, एक्सपीरियंस के थ्रू करें, या फिर जो है जो हमारा होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम जो है ये वाला फेज हमारा कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पर जो हम फिर एम्पिरिकल फेज, तो यहाँ पर हमारा लॉ कौन सा लगता है? वो है एम्पिरिकल लॉ लगता है, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ तक कि हमने इतनी चीज़ें जो है कर लिया, फिर उसके बाद में असेंडेंट से लेकर के जेनिथ तक की जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और फेस कौन सा होता है? हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस कैसे आएगी? इंट्यूशन से आएगी, इमेजिनेशन से आएगी, जैसा कि मैंने आपको अभी आगे बताया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जेनिथ से लेकर के डिसेंडेंट तक की यहाँ पर जो हमारा फेज होता है, वो हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में जो है डिटेक्टिव फेज होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमने अपनी रिसर्च करी है, ठीक है, जितना भी हमने जो है डेटा को कलेक्ट करा, उसको जो है टैबुलेट करा, उसको फिर उसके बाद में फॉर्मुलेट किया, जो है, तो उन सारी चीज़ों को जो जो हमारा जो फॉर्मुलेशन होता है एक तरीके से, उसको पूरा एज अ थ्योरी में जो फॉर्मुलेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम जो है करते हैं। और यहाँ पर जो लॉ होता है, वो कौन सा होता है? वो फंडामेंटल लॉ होता है, ठीक है। और पॉइंट कौन सा होता है? वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, डिटेक्टिव लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, नीचे आते हैं डिसेंडेंट से लेकर के नादिर तक, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, गोइंग डाउनवर्ड। इट मीन्स कि जो हम सब कुछ कर चुके हैं, अब हमको जो यहाँ पर क्या करना है, अपनी रिसर्च को वेरीफाई करना है। फोर क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई हमने किस तरीके से करते हैं? जैसे भी मैंने बताया, कोई एप्लीकेशंस होती है, या फिर कोई जो है फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे कि हम अपनी जो रिसर्च होती है, उसको हम जनरलाइज कर सकें, ठीक है। अब रिसर्च होगी तो वो किसी ना किसी पेपर में पब्लिश होती है,
है किसी जर्नल में पब्लिश होती है, तो वो किस तरीके से होती है? तो वो इसी तरीके से होती है कि जब जब जो हमारी रिसर्च होती है अगर वो वैलिड है, ऑथेंटिक है, उसका रिजल्ट जो है अच्छे से आया है, सारी चीज़ें सब कुछ है, तभी तो हम अपनी रिसर्च को किसी जर्नल में पब्लिश कराएंगे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी रिसर्च जो है पब्लिश ही नहीं होगी, ठीक है। फिर अच्छा, अब छोटी सी, अगर अगर किसी जो जैसे ये लिखा हुआ है कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं? जैसे नीचे लिखा हुआ है, फोर सेक्शंस थस फॉर्मड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो यही जो आपके ये जो चारों सेक्शंस हैं उनको जो जो उनकी जो इंटरसेक्टिंग जो लाइंस हैं वो ही हमारे जो होते हैं जो है क्वाड्रेंट होते हैं। मतलब एक कार्डिनल पॉइंट से लेकर के दूसरे कार्डिनल पॉइंट तक जाने में जिन जिन चीज़ों को हम करते हैं, जिन फेजेस को हम यूज़ करते हैं, वही हमारे कहलाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो है वो हमारी होती हैं क्वाड्रेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग ऑफ स्पाइरल। जो मैंने अभी आपको जो सारी चीज़ें डायग्राम में जो एक्सप्लेन करी है ये वही सारी चीज़ें हैं, बट ये क्या है कि वहाँ पर मैंने आपको ओरली बताई थी, यहाँ पर वो जो है रिटर्न में जो लिखी हुई हैं। ये जितना भी यहाँ पर मैटर है, ये अगर आप जो बीलिप एमलिप के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके एग्ज़ाम में अगर ये आता है, इनफैक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और ये अगर एग्ज़ाम में मैं सीरियसली कहती हूँ, अगर आपने ये डायग्राम और ये पॉइंट्स अगर आपने लिख लिए, ठीक है, राइटिंग की गारंटी तो मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ मार्क्स तो आपको फुल में फुल मिलेंगे। तो ठीक है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझना, ठीक है। फिर जैसे ऊपर की हेडिंग लिखी हुई है, एट द नादिर इज़ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि नादिर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होता है, और वहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम को जो 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 हमारी जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को भी हम वहीं से ही मतलब स्टार्ट करते हैं, और उस प्रॉब्लम का जो जो सोल्यूशन होता है वो भी हमको वहीं पर ही मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि पहला क्वाड्रेंट है। अब पहला क्वाड्रेंट मैंने आपको क्या बताया था, कॉल्ड क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फेस कहलाता है, ठीक है। सेकेंड जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस फेस कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्यों? अगर बाय चांस पूछता है कि स्पाइरल में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको किसी और नेम से भी जानते हैं, तो किस नेम से जानते हैं, तो वो एम्पिरिकल फेस से जानते हैं जो है। फिर उसके बाद में अब इसमें हमने जैसे आपको बताया कि इट इज़ जो है कलेक्टेड एम्पिरिकली एंड द प्रॉब्लम डेटा इज़ कलेक्टेड एम्पिरिकली एंड द प्रॉब्लम मे बी रिफाइंड फर्दर। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, किस लिए जो है कैसे करते हैं, एम्पिरिकल तरीके से, यानी कि कुछ एक्सपीरियंस होगा हमें, कुछ हमें कुछ नॉलेज होगी, ठीक है, उसके बेसिस पे हम करते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं या फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो अब डेटा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम दोनों टाइप के डेटा को हम ले सकते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है और क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एम्पिरिकल फेज होता है या फिर जो है, तो यहाँ पर हम जो डेटा लेते हैं वो किस तरीके का होता है, वो दोनों जो है क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और जो है क्वालिटेटिव भी हो सकता है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हमारा कहलाता है, कॉल्ड जो है कहलाता है कॉल्ड हाइपोथेसिस फेज, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है फेज का क्या मतलब होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर हम कुछ एज्यूम करते हैं। अच्छा, अब अगर हाइपोथेसिस अभी अगर किसी को नहीं भी क्लियर हो रहा है, तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हाइपोथेसिस एज्यूम सबसे ज़्यादा कौन करता है जो है, तो वो साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उनसे भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ को एज्यूम कौन करता है, तो वो कौन करते हैं, वो सीबीआई वाले करते हैं, यानी कि अगर जो भी उनकी जो केस होती है, ठीक है, कोई अगर क्राइम होता है, कोई भी चीज़ अगर उनको केस स्टडी करती है, तो सबसे ज़्यादा तो पुलिस वाले या फिर जो सीबीआई वाले होते हैं वही एज्यूम करते हैं कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हुई होगी। तो यानी कि हम उनको रिजल्ट नहीं पता होता अभी, लेकिन वो पहले, क्योंकि बिना एज्यूम करे तो उन वो केस को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ तो वो बेस बनाएंगे, कुछ तो वो एज्यूम करेंगे, कुछ जो है वो अपना क्या बोलते हैं इंट्यूशन होगी उनको किस तरीके की कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हुई होगी, क्योंकि उसके आगे ही तो वो अपना काम करना शुरू करेंगे। तो सेम वही चीज़ होती है जो है, वो तो खैर चलो उस वे में है, लेकिन हाँ समझाने के लिए अगर ये मैं कहूँ कि हाइपोथेसिस, तो आप अभी इस एग्जांपल से अभी समझ जाओ, बाकी फिर जब इस पर टॉपिक बनाऊँगी तो आप समझ जाना जो है, वहाँ पर आपको फिर इसके नोट्स भी मिल जाएंगे जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, यानी कि असेंडेंट से ले करके जो जैनित तक का जो हमारा
जो जो कार्डिनल पॉइंट होता है वहाँ पर हमारी क्या क्या काम होते हैं, वहाँ पर हमारा डेटा कलेक्शन होता है, टैबुलेट करना होता है, क्लासिफाइड करना होता है जो, और एनालाइज करना होता है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले एक जो है इट इज़ नोन एज डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी हमारा डेटा होता है उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम अपनी क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये हमारा क्या है, डिटेक्टिव फेज। डिटेक्टिव फेज मतलब क्या होता है कि लॉज आर डिस्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टिव लॉजिक, यानी कि यहाँ पर जो हमारे लॉजिक्स होते हैं जो है उनकी हेल्प से हम उन सारी चीज़ों को जो है फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें वो हमारा कौन सा फेज कहलाता है, वेरिफिकेशन फेज कहलाता है। क्यों? क्योंकि अब हमने जब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी जो फॉर्मुलेट जो हम जो है जो थ्योरी बनाई है उसको हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, अपनी रिसर्च को टेस्ट करते हैं, और जो हाइपोथेसिस बनाई है उसको यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने एज्यूम करा था वो हमारा सपोर्ट में है या फिर वो डिसअप्रूव हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुपिंग ऑफ सब्जेक्ट विद द एड ऑफ स्पाइरल। मतलब यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए ज़रूरी नहीं कि उन चारों फेजेस को कंप्लीट करने की ज़रूरत हो, यानी कि जो अभी आपने जो अभी पढ़ा है, जो डायग्राम पढ़ा है उसमें जो चार फेजेस है, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें दो या तीन फेजेस को ही कंप्लीट करने से हमारा सब्जेक्ट और वो रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि ऊपर हेडिंग लिखी हुई है पर्टिकुलर्स और एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, एजुकेशन और साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के लिए जो हमारा स्पाइरल होता है उसके चारों फेजेस को एक बार कंप्लीट करना और उससे ज़्यादा बार, या तो फिर जो एक जैसे लिखा हुआ है कंप्लीट वन और मोर साइकिल इन द स्पाइरल जो है फोर क्वाड्रेंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब कि इन सब्जेक्ट्स को के डेवलपमेंट में साइकिल जो हमारा स्पाइरल जो स्पाइरल और साइंटिफिक मेथड का जो स्पाइरल होता है उसको उनके चारों फेजेस को एक बार या फिर उससे ज़्यादा बार उसको कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाकर के ये सब्जेक्ट्स या वो कुछ रिसर्च टॉपिक्स जो होते हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड साइंस सच एज इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, सोशियोलॉजी। मतलब इस फेज के जो इन सब्जेक्ट्स के लिए क्वाड्रेंट वन, टू और फोर की ही ज़रूरत होती है। इसमें जो हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट जो फेज होता है, यानी कि जेनस से लेकर के जो डिसेंडेंट तक का होता है, उस फेज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, आता है हमारा प्योर मैथमेटिक्स। अब प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की ही ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि मैथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिटरेचर सर्वे, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपीरियंस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो हाइपोथेसिस फेज है, क्योंकि मैथ में हम क्या हाइपोथेसिस करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पर तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती ना, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है जेनस से लेकर के डिसेंडेंट तक की जो हमारे डिटेक्टिव लॉज जो लॉज वगैरह होते वो बने, फिर उसके बाद में हमने उसको वेरीफाई किया, ठीक है। तो जो इन दो क्वाड्रेंट की हमें ज़रूरत होती है और हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, जो डिसिप्लिन एज सच एज रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स, यानी कि अगर कोई रिसर्च स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, धर्म के ऊपर है, मेटाफिजिक्स के ऊपर है, तो वहाँ पर क्वाड्रेंट वन और फोर की ही ज़रूरत होती है, यानी कि यहाँ पर हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती और डिटेक्टिव लॉ की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेसिस जो है, अब रिलीजन के सब्जेक्ट में जो स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में एज्यूम करने जैसा कुछ नहीं, और ना ही यहाँ पर कोई लॉ काम करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई लॉ काम करता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इन जो है जो इन फेजेस की ज़रूरत नहीं है, और हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो जो या फिर जो सब्जेक्ट डेवलप हो जाएगा, और या तो फिर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर रिसर्च है तो वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मेटाफिजिक्स, फाइन आर्ट, लिटरेचर प्रॉपर। अब यहाँ पर सिर्फ खाली थर्ड क्वाड्रेंट को ही फेज अगर आप कंप्लीट करते हो और तो आपकी जो है सब्जेक्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि थर्ड
थर्ड का मतलब क्या होता है, थर्ड हमारा कौन सा होता है, जेनिथ जो हमारा कार्डिनल पॉइंट होता है वहाँ से लेकर के जो डिसेंडेंट जो मतलब कार्डिनल पॉइंट होता है वहाँ तक की जो है ये हमारा फेज़ होता है। और यहाँ पर हमारे लॉ कौन से लगते हैं, लॉ जो है लॉ होता है हमारा डिटेक्टिव लॉ, फेज़ कौन सा होता है वो भी हमारा डिटेक्टिव फेज़ होता है, ठीक है। तो अब फाइन आर्ट और लिटरेचर प्रॉपर या जो है मिस्टिज्म के लिए हमको सिर्फ इसी ही जो है फेज़ की ज़रूरत होती है और हमारे जो ये जो रिसर्च होती है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो या आपको इस जो है इससे कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर इस टॉपिक में कहीं कोई चीज़ आपको ऐसी है जो नहीं समझ में आई तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसका और जो है नेक्स्ट इसका जो टॉपिक जो वीडियो होगा उसमें मैं इसे और ज़्यादा जो है इजी वे में बताने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको अच्छा इसके अलावा अगर आपको इन जो मैं टॉपिक्स जो मैं आपको वीडियो जो है बना करके जो शेयर कर रही हूँ इनके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है एज अ स्टूडेंट आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो तो वो भी आप मुझे लिख सकते हो, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आप जो आपकी उस जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो जो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय।